एंड वेलकम टूर एपिसोड हाशमी आप तस्वुर करें कि आप एक यंग सी प्यारी सी छोटी सी लड़की हैं और आपका ताल्लुक शमशाल वैली से है और खाब आपका यह है कि आपने फुटबॉलर बनना है कुछ थोड़ा क्रेजी करना उसमें ना अलग मजा आता है तो बस ये चीज़ थी जिसने हमें मतलब आप कह सकते हैं कि हमें लाहौर में रहकर भी हम लोग गिलगित बल्तिस्तान में काम करते हैं क्योंकि वो एक क्रेज़ी थॉट था कुछ करना था अपने अपने एरिया के लिए कुछ देना था अपने लोगों को और आप फुटबॉलर बने फिर आप एक लीग शुरू करें बसू वैली में टू में जो है हम लोगों ने अपनी फर्स्ट लीग कराई गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग और हमारे फर्स्ट जो लीग है उसमें हमारे पास टोटल एट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और 300 प्लस गर्ल्स हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं गिलगित बल्दस्तान में और आप उसकी ऑर्गेनाइजर भी हैं इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर भी हैं कैन यू इमेजिन दैट आई कांट लेट्स मीट सुनैराय

और शिमशाल वैली का जो आप कह सकते हैं रोड वगैरह है वो अभी प्रॉपर नहीं है तो हमें जो है आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर रोड जीप रोड जो है वो 2003 में हम लोगों ने प्रॉपर जीप रोड के थ्रू हम लोग ट्रैवल करके शिमशाल जाते थे और फिर आप लोग लाहौर शिफ्ट हो गए जी और फिर आप बड़ी हो गई और अब जो आपका एक इनिशिएटिव है कुछ सालों से वो वहां पे एक फुटबॉल लीग है जहाँ पे लड़कियाँ आके फुटबॉल खेलती हैं तो मुझे बताएं ये ये कैसे है फुटबॉल और लड़कियाँ और वो भी पश् में ये कैसे हुआ आ, लीग का जो हमने आगाज किया वो 2018 में किया उससे पहले हम लोग जुबली गेम्स में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे मैं और मेरी सिस्टर्स तो वहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि क्यों ना हम जाकर अपने एरिया को कुछ दें क्यों ना हम अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम करें तो वही थॉट वही आइडिया हमारे जो है आप कह सकते हैं जहनों में बैठ चुका था और जब हम वापस आए तो हम लोगों ने 2016 में जो है हम लोगों ने एक आप कह सकते हैं प्रैक्टिस मैच करवाया बस ये देखने के लिए कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है और सोसाइटी उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और हमारे पास ग्राउंड में हंड्रेड प्लस गर्ल्स थी और यह हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था कि हम उसको कैसे मैनेज करें और बस वहाँ से ही आगाज़ हुआ और uh, 2018 में जो है हम लोगों ने अपनी फ़र्स्ट लीग कराई uh, गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फ़ुटबॉल लीग और हमारे फ़र्स्ट जो लीग है उसमें हमारे पास टोटल एट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और ऐसे ही चलता आ रहा है और अब तक हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा 300 प्लस गर्ल्स हैं जो कि फ़ुटबॉल खेल रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में मुझे आपकी किसी बात पे भरोसा नहीं है जरा मैं डबल चेक करूँ तीन सौ बच्चियां जी जीबी की फुटबॉल खेलती हैं जी। और आप लोग एक टूर्नामेंट करते हैं फुटबॉल का पशु वैली में बच्चिया वहां फुटबॉल खेलती हैं एक्चुअली जी जी खेलती हैं और शुरू शुरू में कोई मुजामत कोई रेजिस्टेंस सोसाइटी की तरफ से या बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से या एनवायरनमेंट की तरफ से आई है आप लोगों तो को uh, जी ऑब्वियसली किसी भी आप सोसाइटी में कोई इवेंट कराएं या फिर आप थोड़ा सा बोल्ड स्टेप कोई लें तो डिफ़िकल्टीज आती हैं हमारे वहाँ हमारे साथ भी ये हुआ कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ को क्योंकि uh, लड़कियों का गेम है और लोगों के डिफरेंट जो है वो थाट प्रोसेस हैं उसको लेके लोगों के डिफरेंट uh, जो है वो कहते हैं कुछ लोग हम समझते हैं वो ठीक नहीं है कुछ और कुछ के लिए वो अलग चीज़ है लेकिन हमारे साथ जो था हमारे सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा थे और लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि एक तो हम लोग ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान से थे और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा किया था तो उनका ये होप था कि अगर गिलगित बल्तिस्तान शिमशाल वैली से लड़कियाँ फुटबॉल खेल सकती हैं तो उनकी बेटियाँ भी खेल सकती हैं तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में और जैसे कि आपने कहा थ्री प्लस गर्ल्स हमारे पास बसों में खेलती हैं और ये साल में एक आप लोग पूरी लीग एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जी जी साल में लीग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट एरियाज़ में कोई कहीं पे पढ़ रहे हैं और कोई जॉब के साथ बिजी है तो हम लोग बीच में ये ट्राई कर रहे होते हैं कि हम लोग कोई कैंप रखवा लें ताकि वो इंगेज रह सके और हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पर अभी फ़ुटबॉल स्टार्ट नहीं हुआ हम वहाँ पर कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उन लोगों को भी अवेयरनेस हो थोड़ी सी तो फुटबॉल का जैसे शहर में तो अब हमारे पास ग्राउंड ही नहीं गए तो क्या इतनी ऊपर बुलंदी के ऊपर कोई ग्राउंड है फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड ऑब्वियसली प्रॉपर ग्राउंड तो नहीं है लेकिन कोई प्लेन जैसे आप कह सकते हैं प्लेन लैंड मिल जाए तो हम उसको ग्राउंड बना लेते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास जो फुटबॉल के प्रॉपर ग्राउंड होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है और हमारी जो गर्ल्स हैं जो जिनको हम पहाड़ी खिलाड़ी कहते हैं वो भी जो है क्रिक, क्रिकेट ग्राउंड पे खेलती हैं और इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि क्रिकेट पिच है और एक फुटबॉल पिच है तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन उन लड़कियों का हौसला इतना ज्यादा है कि वो ग्राउंड को भी जो है वो अपने रास्ते में नहीं आने देती हैं क्योंकि उन्होंने एम कर चुकी हैं कि उन्होंने खेलना है उन्होंने फुटबॉलर बनना है तो वो उस अपने जो है गोल पे जो है वो अभी तक चल रही हैं वो लोग अच्छा मैंने हॉकी के बारे में तो सुना था कि उसकी वो होती है एस्ट्रोटर्व उसे पाने डालते हैं लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल की जो फील्ड होती है क्या ये फ़र्क होती है जी क्रिकेट का जैसे बीच में उनका पिच होता है और फुटबॉल के लिए आपको पूरी पूरी ग्रीन ग्राउंड चाहिए होती है तो ये डिफरेंस होता है उसमें लेकिन आ, फुटबॉल के लिए भी होते हैं आर्टिफिशियल ग्रास होता है लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर हार्श वेदर होता है और उस हार्श वेदर में उस आ, आ, जो आप कह सकते हैं ग्राउंड को मेनटेन रखना भी एक टास्क होता है तो आप लोग जब यहाँ से आपकी बहन आप और आपके कुछ साथी लाहौर से ये ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट जो पहाड़ों के अंदर होता है तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में ना चाहते हुए भी ख़र्चा भी आता है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है फिर ट्रैवल का चाहिए होता है तो इसके एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं इसके एक्सपेंसेस हम लोग जो है आ, हमारे पास डिफरेंट हम लोग स्पॉसर्स को अप्रोच करते हैं हम डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स जैसे भी स्पोर्ट्स ब्रांड्स हैं किसी भी ब्रांड को हम अप्रोच करते हैं और हम उनके साथ जो है अपने आइडिया शेयर करते हैं कि हम आ, गर्ल्स के लिए लीग करा रहे हैं कुछ को तो हमारा आइडिया बहुत वियर्ड लगता है कि लाहौर में लीग्स नहीं हो रहे हैं और ये गिलगित बल्तिसान में कहाँ से लीग्स करवा रही हैं और आ, लेकिन आ, काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ को वो चाहते हैं कि एक तरीके से पाकिस्तान में फुटबॉल जो है वो प्रमोट हो और वो उस चीज में जो है आ, फिर हमें सपोर्ट करते हैं उस हमारे लीग में अब कोई हश के लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ये वाली बात सुन रहे हैं मेरे, मेरे ख्याल में हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है अगला पोटेंशियल स्पॉन्सर जो है उस तक हमने ये अपनी बात पहुंचा दी है अच्छा फुटबॉल ही क्यों चुना ऐसी एक और सी चीज अच्छा पाकिस्तान में तो हमने फुटबॉल टीम का कभी सुना भी नहीं मुझे पाकिस्तान के एक फुटबॉलर का नाम भी नहीं पता सिवाय आपके और हाजरा के आ, क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें सब भाग भाग कर जाते हैं, हैं। एक ज़माने में हॉकी हुआ करती थी और शायद कोई कभी कभी कुछ नुकर भी हम अच्छी खेल लेते हैं तो फुटबॉल ही क्यों चुन लिया आपने और वो भी ऐसी एक जगह पे जाके कि जहां तक पहुंचना भी मुश्किल है भाई चलो लाहौर में खोल लो कराची में खोल लो इस्लाबाद खोल लो जगह भी आसान है आराम से लोग पहुंच जाएंगे रश भी ज़्यादा होगा शायद स्पॉन्सर ज़्यादा आ जाए तो वाई दैट प्लेस बेशक हम लाहौर में रहते हैं लेकिन आप कह सकते हैं ना कि दिल अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में है तो अपनी कम्यूनिटी के लिए कुछ करना और कुछ थोड़ा क्रेज़ी करना उसमें ना अलग मज़ा आता है तो बस ये चीज़ थी जिसने हमें मतलब आप कह सकते हैं कि हमें लाहौर में रहकर भी हम लोग गिलगित बल्तिस्तान में काम करते हैं क्योंकि वो एक क्रेज़ी थॉट था कुछ करना था अपने अपने एरिया के लिए कुछ देना था अपने लोगों को तो बस उसी थॉट पे और पेरेंट्स के सपोर्ट से कम्युनिटी के सपोर्ट से और बस चल रहा है इसी तरीके से सब कभी 2018 से लेके अब तक या उससे पहले भी जब आप फुटबॉल खेलती थी कोई इंजरी हो जाती है या कभी कोई झगड़ा हो जाता है दोस्तों में या बहन के साथ भी तो कभी ऐसा हुआ कि यार मैं नहीं खेलती आई आई टू क्विट दफा करूँ बस मैं अब कुछ और स्पोर्ट खेलूंगी या मैं स्कॉश खेलूंगी या मैं कुछ और करूंगी मैंने नहीं ये करना इसमें बहुत खजुल खरी कभी ऐसे महसूस किया जब हम लोग खेलते थे फुटबॉल तो मेरे मेरी सिस्टर्स हम लोग ट्रेवल करते थे लाहौर से कराची Uh, क्योंकि लाहौर में इतने ज़्यादा क्लब्स नहीं थे और हम लोगों को खेलना भी था तो हम लोग uh, कराची में दिया एफ फुटबॉल क्लब था और हम उनके लिए खेलते थे तो हम लोग ड्यूरिंग uh, टूर्नामेंट से एक हफ्ता पहले हम लोग ट्रैवल करके हम लोग कराची जाते थे टूर्नामेंट के लिए सिर्फ टूर्नामेंट के लिए तो उसी दौरान काफ़ी ऐसे मोमेंट्स आए जब हम लोग कह दे हम लोग ख़ुद से मतलब आपस में बैठ के कहते थे कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ तो हम लोग उस टाइम पे हम लोगों का वो होता था कि हम गिव अप कर देते हैं लेकिन फिर वही बात के पेरेंट्स के सपोर्ट सबसे मेन चीज़ होती भी वही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट अगर एक चीज़ में है एक आइडिया में है तो फिर वो चलता रहता है तो फिर पेरेंट्स सपोर्ट करते थे वो कहते थे कि कोई बात नहीं अभी थोड़ी डिफिकल्टीज हैं हो सकता है आगे आसानियाँ आ जाए तो ऐसे ही करके फिर हम लोग बस जाते थे कराची खेल लिया कभी गिलगित चले गए कभी इस्लामाबाद चले गए टूर्नामेंट्स पे खेलने के लिए तो ऐसा चलता चला है और कभी कोई टूर्नामेंट जीता है क्या मेरी तरह हमेशा हारे हर टूर्नामेंट नहीं शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट uh, चीज़ थी तो तब हम लोग बहुत ज़्यादा हारते थे और जब हम घर आते थे तो हमारे uh, उनके हमारे फेसेस से पता चल जाता था तो पेरेंट्स को कि हार के आए हुए हैं आज लेकिन फिर ऑब्वियसली बात है हार्ड वर्क और फिर हम लोग क्योंकि हम लोगों ने छोड़ा नहीं उस चीज़ को और फिर हम लोग जीत के आते थे तो फिर सपोर्ट uh, भी करते थे और खुश भी होते थे उस चीज़ को लेके वो और कोई ऐसा मौका या तो जो आप लोगों ने लीग शुरू की वो सक्सेसफुली ख़त्म हुई या अपना कोई टूर्नामेंट खेला वो जीता या कोई मैच आपने ऐसा खेला कि जिसमें बड़ी एक मेमोरेबल सी चीज़ हुई हो जो आपको जो जिस, जिस मोमेंट का मजा बहुत आया हो कि यार ये देखो इसलिए मैं ये काम करती हूँ हमारे लीग में हुआ था हमारे पास टीम आई थी चिपरसन जो कि बहुत दूर से आई थी ट्रेवल करके फोर टू फाइव आवर्स और फर्स्ट सीजन में वो हमारे पास जो थी वो लीग मैचेस में आउट हो गई थी और जब से हमारा सेकेंड सीज़न था वो जब सेकेंड सीज़न में वो टीम आई है तो वो चैम्पियन हुई है और वो मोमेंट हमारे लिए मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि क्या हो गया और अभी जो रिसेंट हमारी चैम्पियंस थी वो भी चिपरसन वैली थी तो ये हमारे लिए ना एक आप कह सकते हैं कि यही अचीवमेंट हम चाह रहे थे यही वो अचीवमेंट है कि किसी तरीके से कोई भी छोटी टीम है कोई भी टीम है वो किसी तरीके से एम्पावर हो रही है तो ये हमारे लिए हम हम लोगों ने अचीव कर चुके थे वो चीज़ वो मोमेंट हम लोगों ने जब देखा कि चिपरसन वैली जो है वो चैम्पियंस बनी है तो हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि क्या हो गया और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब एक टीम जो है हम बहुत बिल्कुल हार जाती है हर लेवल पे और फिर एकदम से वो ऊपर आती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है

हम लोग उसको ग्रास रूट कैंप कह रहे थे और हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ में दो से तीन जगहों पर ट्रेनिंग करवाई थी और तब हम छुपरसन वैली गए थे और हम लोगों ने वहाँ पर उनको बस थोड़े से आप कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे हमने उनको ट्रेन किया था कि ये बेसिक्स हैं ऐसे टच करते हैं बॉल को और उनके वहाँ पर जो थे सीनियर्स भी थे वो देख रहे थे कि कैसे खेलना है कैसी चीज़ों को करना है और वहाँ से जो है वो लड़कियों ने जो है आप कह सकते हैं प्रूव करना स्टार्ट कर दिया और अब आप वैसे भी चुपरसन वैली विज़िट करें तो आपको हर फील्ड में लड़की खेलती हुई नज़र आएगी और कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जो खाली होगी और फिर लोग हमें बताते थे कि हम चुपरसन वैली गए थे और वहाँ पर लड़कियाँ खेल रही थी और वो मतलब एक उनके लिए शॉकिंग सी चीज़ थी कि चुपरसन वैली जो कि बहुत एक आप कह सकते हैं हार्श एरिया है और वहाँ वेदर कंडीशन भी बहुत हार्श होते हैं और वहाँ पर जो वमेन आप कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत काम होता है और जैसे कि बहुत दूर से वो पानी लेके आती हैं बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं उनके और उस चीज़ में भी वो लोग जो लड़कियाँ थी वो आ, स्नो में भी फ़ुटबॉल खेल रही हैं और विंटर्स में वो अपना स्पोर्ट्स इवेंट करवा रही हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है वो भी आप जब एक छोटे से गांव को आपने इंस्पायर किया हो और वहाँ से जो है डिफरेंट आप कह सकते हैं डिफरेंट लड़कियाँ निकल रही हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में जा रही हैं वो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स में पढ़ रही हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी उम्मीद सिस्टर के लिए फैसिनेटिंग अच्छा मैं एक शरारत करने लगा ये सीरियस okay. सवाल नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में तो गालिबा स्पोर्ट्स का वैसी सिवाय क्रिकेट के कोई स्कोप नहीं है और लड़कियों के लिए तो वैसी बहुत मुश्किल है तो आप इंग्लैंड चली जाएं अपनी बहनों को लेके इंग्लैंड की टीम को बहुत पैसे मिलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और तो नहीं कौन कौन से क्लब्स हैं

फॉर्म में क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है कुछ टाइम ऐसा था पेरेंट्स मना कर देते थे कि बस कर दो अब नहीं खेलना क्योंकि लाहौर में खेलते हुए भी आप जो है आप बेशक लाहौर में भी खेल रहे हो हम लोग लाहौर में जब खेल रहे थे तो हमारे जो नेबर्स थे वो आते थे और मेरे आ, हमारे घर आते थे वो और हमारे पेरेंट्स को वो लोग कहते थे कि आपकी बेटियों ने जो है इन अप्रोप्रिएट सी ड्रेसिंग की हुई है और वो लोग ऑब्वियसली बातें वो पेरेंट्स को डांटते थे कि नहीं ये देखें कि मतलब लोग देखते हैं अजीब तरीके से इन्होंने कपड़े सही नहीं पहने हुए कहा जाती हैं और जो कि होता है लेकिन पेरेंट्स का बस वही था कि उनको यकीन था हम पे और हम भी कह देते थे, थे कि हमने नहीं सुननी बात तो वो जब जिद पर अट जाए बंदे तो फिर मुश्किल हो जाता है अब क्या कहते हैं पेरेंट्स जब कामयाबी भी हो गई एक सिस्टम बन गया लीग कामयाब हो गई टीम जितनी ज्यादा बाती हैं कि वो पूरा अकोमोडेट करने की जगह ही नहीं होती तो अब क्या कहते हैं अब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हर मतलब आप आ, जब किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हम गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग को रिप्रेजेंट करते हैं तो आ, वो मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है सो so, मेरा प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मे बी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या जिंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं या शख्सियात हैं या हीरोज हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं टू बी ऑनेस्ट जो मुझे इंस्पायर करती है वो मेरी छोटी सिस्टर है क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी टाइम्स वो आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी आप कह सकते हैं कोई ऐसा टास्क कर लेती है जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ तो मुझे जो करिश्मा करती है और तो तो गलत गेस्ट को बुला लिया। जी जी क्या, क्या है कि ये जो काम शुरू किया कहा तक आगे जा सकता है लड़कियों के लिए फुटबॉल के लिए या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंस्पायर तो इसको देकर हो रहे हैं पर वो अपनी फील्ड में इंस्पायर हो रहे हैं तो आगे के क्या प्लान्स सोच रखे हैं या क्या हो तो आप कह रहे यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ये तो कमाल हो गया ऑब्वियसली छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल रहे हैं और इन वो आप कह सकते हैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी आएगा जैसे कि शुरू शा, पोलो फेस्टिवल होता है जैसे पी होता है डिफरेंट uh, जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एथलीट्स हर जगह से आके पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा भी यही uh, जो गोल है एक तरीके से हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं डिफरेंट एरियाज से वो आए गिलगित बल्दस्तान वो भी हमारे जो पहाड़ी खिलाड़ी हैं उनके साथ वो खेलें और वो जो है इस तरीके से ना पाकिस्तान के इमेज पूरी दुनिया के सामने जाता है तो हमारा भी ये गोल है कि हमारे पास जो टीम्स हैं वो डिफरेंट एरियाज से आए डिफरेंट कंट्रीज से आए ताकि हमारा जो लीग है वो एक्सपेंड हो मैं फिर मैं आज करता हूँ एक प्रोडिक्शन एक पेशन वो करता हूँ मैं <laughs> जी जी ये दस बीस तीस साल या उससे कम में ये लीग इतनी बड़ी हो जाएगी कि एक तो ये पी की तरह की एक लीग बन जाएगी और फिर एक दिन इसके ऊपर एक फिल्म बनेगी जिसको <laughs> लोग देखेंगे अरे अच्छा और उसपे लिखा होगा बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ये मैंने आज पेशेंट वो ही कर दी <laughs> मेरी जिंदगी में, में हो ना हो आपकी जिंदगी में जरूर होगा ये थैंक यू सो मच फॉर girls ऑफ पाकिस्तान थैंक यू सो मच